हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की